Now, Sri Husain Dalwai, less than 4 minutes. हाँ यस, थैंक यू सर. आईएमडी का कहना ऐसा है कि 10% से कम बारिश, 10% भी कम बारिश अगर गिरे तो इसका मतलब ऐसा है कि वहाँ सूखा है, ऐसा समझना चाहिए. आज तो स्थिति ऐसी है कि उनका ही कहना ऐसा है कि पूरा ये जो सीजन है उसमें 15% से भी कम बारिश होने की बड़ी ये है, दिक्कत है, संकट है. इसका मतलब ऐसा है, संभावना है, इसका मतलब ऐसा है कि 81% इस देश में सूखा हो जाएगा, 80% देश में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. तो इसके बारे में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से सोचना बहुत ज़रूरी है. एक तो शरद पवार साहब जब कृषि मंत्री थे उस वक्त कृषि मंत्रालय, कृषि का उत्पादन 4.5% बढ़ गया, ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई, पहली बार इतना हो गया. अब ये संकट से इस साल क्या आफत आएगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए. हमारे कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी ने कहा है कि इस देश में बड़े जलाशय 85 हैं, लेकिन उसमें से 52 जलाशय पश्चिम और दक्षिण भारत में है, और उसमें भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हैं. और महाराष्ट्र में अभी की स्थिति ऐसी है कि बारिश खाली 26% हो गई है. तो मेरा कहना ऐसा है कि पानी बचाओ मुहिम करनी चाहिए, उसके लिए सरकार ने अगुवाई करना बहुत जरूरी है. तालाब कुएं का स्रोत बढ़ेगा, इसका इसके लिए ध्यान देना चाहिए. मनरेगा जो है वो महाराष्ट्र में ऐसा है, वहाँ रोजगार हमी योजना थी, उसका उपयोग फल बाग बढ़ाने के लिए किया गया था, उसका नतीजा अच्छा मिला, रिजल्ट बहुत अच्छे मिले, वैसा ये भी करना चाहिए. और इसका उपयोग सूखा हटाने के लिए जितना भी हो सके वो करना चाहिए. फिर किसानों को अभी जो कर्जा दिया जाता है, मेरे ख्याल से इस साल में बिना ब्याज कर्जा देना चाहिए, कि माफ करना चाहिए. इसका कारण ऐसा है कि बड़े इंडस्ट्री को इस तरह से माफ किया जाता है, किसान बहुत बड़े पैमाने पर कर्जा डुबाता नहीं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट डुबाने का काम करते हैं. ये ध्यान में रख के उनको ये इस तरह की राहत देनी चाहिए. समंदर में पानी जो जाता है, मैं जिस जहाँ से आया हूँ वहाँ कोयना नगर है, वो पूरा के पूरा पानी यहाँ से समंदर में जाता है, कोयना बांध का वो पानी अड़ाने की कोशिश कहाँ ना कहाँ होनी चाहिए. पानी का इस्तेमाल बार बार होना चाहिए, इसलिए रिसाइकलिंग ऑफ वाटर की स्कीम करना बहुत ज़रूरी है. ड्रिप इरिगेशन के बारे में मेरी बहन बोली, लेकिन ड्रिप इरिगेशन बड़े पैमाने के बाद ड्रिप इरिगेशन होगा तो मेरे ख्याल से सूखा बहुत कम हो जाएगा. महाराष्ट्र की हालत ऐसी है कि जहाँ बड़े पैमाने पर गन्ना होता है वहीं बाजू के तालुके में सूखा होता है. ये अगर कम पानी में गन्ना होगा तो मेरे ख्याल से वहाँ का अकाल जाएगा. कृषि विद्यालय विश्वविद्यालय के बारे में किसने कुछ कहा नहीं, लेकिन वहाँ बड़े पैमाने पर रिसर्च होता है. मैं कोकण से आता हूँ, कोकण कृषि विद्यापीठ ने बहुत अच्छी तरह से वहाँ रिसर्च किया है, वो रिसर्च लोगों तक जाएगा, इसलिए एक्सटेंशन सर्विस और मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, और उनके लिए रिसर्च के लिए ज़्यादा राशि देना भी बहुत ज़रूरी है. यस, बस हो गए मेरे मुद्दे, खाली बोल रहा हूँ. हो गया ऐसा मैं ये कहूँगा कि आज महाराष्ट्र की स्थिति सबसे बुरी है. महाराष्ट्र में 3 बार सूखा हो गया, ओले गिर गए, और उसके बाद ज्यादा बारिश हो गई, उससे महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा नुकसान हो गया. महाराष्ट्र के लिए ज्यादा राशि देना बहुत जरूरी है, और ये अकाल हर साल अकाल के ऊपर चर्चा करने के बजाय कायम तौर पे अकाल खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए. जय हिंद, जय भारत.